तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी थाईलैंड में और बैंकॉक। तो मैंने क्या किया, सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक चिल्ड, यहाँ क्या करते हैं, बर्फ़ डाल के देते हैं बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक में। पहले बर्फ़ डालेंगे फिर कोल्ड ड्रिंक डालेंगे। तो ये सीन हो गया मेरा, हो गया गला ख़राब बहुत ज़्यादा, मतलब पेन हो रही है गले में, और साथ में गले में पेन हो रही है और साथ में मेरा शरीर टूट रहा है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ मेडिकल डॉक्टर पर। भाई तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल में आराम करने, क्योंकि शाम को फिर, क्योंकि ना यहाँ पे बैंकॉक में क्या है, यहाँ नाइट मार्केट ही है, मतलब आप रात को, दिन में तो सब सो रहे होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत खा लिया सो लिया, रात को निकलते हैं सब घूमने फिरने ना, तो सारी मार्केट रात को ही है। खाने पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ ना मसाले बहुत अलग है, डिफरेंट है। ठीक था, मैं सुबह मैंने एकदम से लिया ना, मतलब जब मैंने सुबह कोल्ड ड्रिंक पी, बहुत चिल्ड थी, मेरे को पीनी नहीं थी, मुझे पता नहीं था पहले, मैंने कहा होगा नॉर्मल, उसने आइस डाली। मैंने सोचा हमारे यहाँ ना कैसे कप आते हैं इंडिया में कि बर्फ़ टाइप, और उसमें हम जूस डालते हैं, ऐसा लगता है बर्फ़ पड़ी है, तो वो उसके अंदर असली में बर्फ़ थी, कम से कम बहुत बड़ा ग्लास था, उसमें पूरा बर्फ़ का भरा हुआ था। उसके बाद उसमें ग्रीन कलर का जूस था, पता नहीं क्या था, फ्रेंड के साथ पी रहे थे और वो हो गया बस काम ख़राब। और अब दोपहर को पता चल रहा है खांसी हो रही है। बात है, मैंने इनसे पूछा भाई कैसे लेनी है दवाई, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस पर मैंने लिखा हुआ है, तो ये क्या करते हैं, प्रिंटेड एक लिखा आता है, जेनरिक नेम इबुप्रोफेन 400 mg डोजेज ऐसे ले रही है, एक टैबलेट, ये जो टैबलेट है 3 times डेली आफ्टर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, स्पेशल इंस्ट्रक्शन टेक इमिडिएटली आफ्टर फूड एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो ये चीज़ लिखी हुई है इन्होंने ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेडिसिन खरीदते हो तो ये साथ में ऐसे लिख के देते हैं स्टोर पे भी, हम मैं भी फार्मेसी है, स्टोर ही है, डॉक्टर तो यहाँ, हॉस्पिटल तो बहुत दूर है यहाँ से, तब वहाँ क्या जाऊँ एक छोटी चीज़ के लिए, तो मैंने यहाँ से ले लिया दवाई है। तो ठीक है, चलो अभी लेते हैं, देखते हैं आराम है क्या नहीं है, पर सब कुछ इस पर लिखा हुआ। ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय फ्रेंड्स। दवाई ले ली है तो साथ में अब कुछ खाने का भी लिया है मैंने यहाँ से, और तो यार क्या मिलेगा, अब वो मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी कुछ चाइनीज़ फूड खाने का, चाइनीज़ कह रहा सॉरी थाई फूड खाने का, अब ना डर सा लग रहा है कुछ भी खाने से ना, कि यार ये खाऊंगा अभी दिक्कत ना हो जाए। तो मैंने ये लिया है कुछ कुछ पता नहीं क्या है, ये ब्रेड लग रहे हैं, ब्रेड है कुछ स्वीट ब्रेड है, तो सिंपल खा के अपना दवाई लेके आराम करूँगा, और फिर आराम करके फिर रात को, क्योंकि अब अगर मैं दवाई आराम नहीं करूँगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी मुझे रात तक की, तो रात तक मुझे ठीक होना है, ब्लॉग बनाएंगे शायद, मैं अभी शाम को चाइना टाउन जाऊँ जो यहाँ की बेस्ट प्लेस है, तो मैं नहीं चाहता कि तबीयत ख़राब हो। तो मैंने ले ली दवाई और वो भी खाने का भी ले लिया है, चलो चलते हैं अभी होटल में। तो मैं अभी जो दवाई लेके आया था और साथ में ये कुछ खाने का लाया था, मेरे साथ गड़बड़ होगी, वो जो खाने का था ना यार, उसके अंदर जो मैंने वो ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद मैंने देखी छोटी सी फोटो लगी हुई थी पोर्क की, तो मैंने कहा अरे यार अब मैं इसको कैसे खाऊं, तो मैं नहीं खा सकता पोर्क, तो अब वो फट भी गया था। मैंने यहाँ पे एक जापान का बंदा है होटल में, वो मेरा थोड़ा फ्रेंड बन गया था, तो मैंने उसको बोला यार आप खा लो, अब इसको वेस्ट क्या करना, आप तो खा सकते हो, हमें दिक्कत है थोड़ा खाने में ना, मैं नॉर्मल चलो एग चिकन तो खा लेता हूँ, लेकिन अब वो यहाँ पे ये भी नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि वो एक ठीक है एक दो दिन अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद ना वो चीज़ नहीं बन पा रही, शरीर को इंडियन फूड चाहिए, ऐसा लग रहा है कि यार बस कुछ मिल जाए, बस मिल जाए। कल मैंने क्या किया, कल इतना मन कर रहा था एक स्वीट आ गई, स्वीट कल मैं वहाँ गया था लिटिल इंडिया, छोटा सा यहाँ पे है लिटिल इंडिया, तो वहाँ पर ना स्वीट शॉप थी, तो मैंने क्या किया, अब मन कर रहा था तो मैंने वैसे उनको पूछा टेस्ट कराना, तो थोड़ा सा टेस्ट किया, बिल्कुल इंडिया का टेस्ट आया। मैंने तो उसी टाइम ही सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स के लिए मिठाई खाने के लिए, और अब इतनी दूर तो मिठाई लेने में जान जाऊँगा नहीं, टेस्ट के हिसाब से बहुत दूर है वो, और अब दोबारा जाना पड़ेगा कुछ लाने के लिए और खाने के लिए, फिर दवाई लूँगा, फिर आराम करूँगा। चलो अभी
देखते हैं, अब कुछ खाना तो पड़ेगा ही, तो अभी लाऊंगा कुछ, पर ना कुछ भी ले रहे हैं यहाँ ना, कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्योंकि हर चीज़ पैक्ड मिल रही है यहाँ पर, कुछ भी लोग पैक्ड सब कुछ, पता नहीं लोग कैसे खा रहे हैं यहाँ पर। वो मेरे जो साथ में जैपनीज है, मतलब दूसरा रूम जो जापान का है, वो मेरा फ्रेंड बन गया, तो वो कुछ भी चीज़, मतलब हर चीज़ वो बॉक्स लाते हैं कहीं ना कहीं से, और हॉट वाटर डालता है उसके अंदर, और चाहे वो पॉर्क हो, चाहे वो स्कॉर्पियन हो, चाहे वो कुछ भी हो, फिश हो, वो लगा पड़ा है, और बड़े चौ से, मतलब अलग ही इनका स्टाइल है। चलो देखते हैं, मुझे अब तबीयत ठीक करनी है।